गुरु नानक देव जी की दिव्य आध्यात्मिक यात्राओं को उदासी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। वैसे ऐसे भी अभिलेख हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि गुरु नानक जी ने सबसे अधिक यात्राएं की थी। उनकी अधिकांश यात्राएं उनके साथी भाई मर्दाना जी के साथ पैदल ही की गई थी। माना जाता है कि गुरु नानक जी ने 1500 से 1524 की अवधि के मध्य दुनिया की अपनी 5 प्रमुख यात्राओं में 28,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। पहली उदासी 1500 से 1506 ईस्वी के दौरान उन्होंने सुल्तानपुर, तुलंबा, आधुनिक मखदूमपुर, जिला मुल्तान, पानीपत, दिल्ली, बनारस, नानकमता, जिला नैनीताल, यूपी, टांडा बंजारा, जिला रामपुर, कामरूप असम, आसादेश असम, सैदपुर आधुनिक अमीनाबाद पाकिस्तान, पसरूर पाकिस्तान, सियालकोट पाकिस्तान का भ्रमण किया। दूसरी उदासी 1506 से 1513 ईस्वी के दौरान गुरु नानक देव जी ने धनसारी घाटी, सांगला द्वीप, सिलोन की यात्रा की। तीसरी उदासी 1514 से 1518 ईस्वी के दौरान उन्होंने कश्मीर, सुमेर पर्वत, नेपाल, ताशकंद, सिक्किम, तिब्बत, माना जाता है कि वह चीन भी गए थे, इसके समर्थन करने के लिए साक्ष्यों का संग्रह चल रहा है। चौथी उदासी 1519 से 1521 ईस्वी के दौरान गुरु नानक देव जी ने इराक, मक्का, तुर्की और अरब देशों की यात्रा की। ऐसा कहा जाता है कि सीरिया में बाबा फरीद की मस्जिद के पास वली हिंद की मस्जिद नाम की एक मस्जिद है। माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप भी वे गए थे, इसके समर्थन करने के लिए साक्ष्यों का संग्रह चल रहा है। तुर्की में गुरु नानक देव जी के स्मारक पर अरबी, फारसी, तुर्की भाषा में गुरुमुखी लिपि में लिपियंतरित जहांगीर जामन हिंद लाट अलमजीद नानक लिखी गई है, जिसका पंजाबी में अर्थ है जमाने दा मालिक, हिंद दा बंदा, रब दा नानक, जिसका हिंदी में अर्थ है आज के भगवान, भारत के निवासी, भगवान के आदमी नानक।